सुप्रभात साथियों, तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले। हिमाचल प्रदेश में 8 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि का येलो अलर्ट, 2 जून तक मौसम खराब। केरल में 3 दिन पूर्व मानसून के दस्तक देने के बाद हिमाचल प्रदेश में 10 जून तक प्री मानसून की बौछारें पड़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल ने बताया कि प्रदेश में 17 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। पिछले साल 13 जून को मानसून आया था। वहीं आज प्रदेश के 8 मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में 2 जून तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। अमेरिका में पीएचडी करेंगे कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के जावेद राजू। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कृषि विज्ञान महाविद्यालय में कीट विज्ञान विभाग में स्नातकोत्तर कर रहे छात्र जावेद राजू अब अमेरिका में पीएचडी करेंगे। वह वहां कीट एवं कैंसर की बीमारी पर शोध करेंगे। राजू का चयन संयुक्त राज्य अमेरिका के विख्यात क्लेमसन विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग में डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए 100% छात्रवृत्ति के साथ हुआ है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर, हिमाचल की सीमाओं में चौकसी बढ़ी, सीएम जयराम ने शोक जताया। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद हिमाचल प्रदेश की सीमाओं में चौकसी बढ़ा दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि हत्यारे हिमाचल में घुस सकते हैं। मूसेवाला की हत्या से हिमाचल में उनके लाखों प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है। इसके अलावा मूसेवाला कई बार हिमाचल घूमने आ चुके हैं। उधर सीएम जयराम ठाकुर ने भी हत्या पर शोक जताते हुए पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। इसके अलावा उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने मूसेवाला की हत्या के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। HRTC बसों में महिलाओं को आधे किराए की छूट के लिए करना होगा इंतजार। राज्य की महिलाओं को हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम HRTC की बसों में आधा किराया देने के लिए अभी 1 महीना और इंतजार करना होगा। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने बताया कि 1 जुलाई से महिलाओं को HRTC की बसों में प्रदेश के अंदर कहीं भी आने जाने पर आधा किराया लगेगा। पीएम के शेड्यूल में बड़ा बदलाव, अब धर्मशाला में सिर्फ 1 रात ही रुकेंगे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हिमाचल प्रदेश में 1 ही रात रुकेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव हुआ है। इसके तहत अब पीएम मोदी पहली बार देश के सभी मुख्य सचिवों की कॉन्फ्रेंस में मात्र 16 जून की रात्रि को ही धर्मशाला सर्किट हाउस में ठहराव करेंगे। हालांकि 16 जून को पीएम मोदी सुबह ही धर्मशाला में CS कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने के लिए पहुंच जाएंगे। वहीं 16 जून को धर्मशाला सर्किट हाउस में ही रात्रि ठहराव करेंगे, जबकि 17 जून को शाम तक CM सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। हालांकि शाम को मोदी वापस लौट जाएंगे। डॉक्टरों की भर्ती को वॉक इन इंटरव्यू बंद, रिक्त पद कम रहने के चलते सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल सरकार अब वॉक इन इंटरव्यू के जरिए डॉक्टरों की भर्ती बंद करने जा रही है। सैद्धांतिक रूप से यह फैसला ले लिया गया है और इसके बाद इस तरह की भर्ती पर रोक भी लग गई है। हालांकि अगली कैबिनेट में इस बारे में औपचारिक तौर पर फैसला लिया जाएगा। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि राज्य में अब डॉक्टरों के रिक्त पदों की संख्या बेहद कम रह गई है। यदि नए सृजित पदों को हटा दें तो हिमाचल लगभग 0 वैकेंसी की ओर रुख कर रहा है। इसके बाद 141 पद और एलोपैथी डॉक्टरों के सृजित किए गए हैं, जिन्हें भरा जाना भी बाकी है। मुख्यमंत्री ने इस साल के बजट में एलोपैथिक डॉक्टरों के 500 नए पद घोषित किए हैं और इनमें से 141 सृजित हो गए हैं, जबकि 359 पदों की क्रिएशन अभी और होगी। इन सभी पदों पर अब वॉक इन इंटरव्यू के जरिए भर्ती नहीं होगी। 12 दिन बीत गए, CBI ने नहीं भरी पेपर लीक मामले की जांच को हामी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच CBI को सौंपने की सिफारिश किए हुए 12 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इस फर्जीवाड़े में मामला दर्ज नहीं किया गया है। CBI की ओर से सरकार को हाँ या ना का जवाब नहीं मिला है। हिमाचल के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में भी पेपर लीक हुए हैं, लेकिन CBI ने इसकी जाँच नहीं की है।
वहीं ऐसे में सीबीआई की लेट लतीफी से हिमाचल पुलिस की जांच पर भी असर पड़ने लगा है। कहीं जलवाहकों को राहत, कहीं इंतजार। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के अंशकालिक जलवाहकों को बागवानी विभाग में मर्ज करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं, जबकि बिलासपुर जिला के अंशकालिक जलवाहकों को शिक्षा विभाग से बागवानी विभाग में मर्ज करने के आदेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं। बिलासपुर जिला के अंशकालिक जलवाहकों को मर्ज करने के लिए बागवानी विभाग अभी भी सरकार से अप्रूवल मिलने के इंतजार में है। बागवानी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार की ओर से अभी तक बिलासपुर जिला के अंशकालिक जलवाहकों को शिक्षा विभाग से बागवानी विभाग में मर्ज करने के लिए सरकार से अप्रूवल नहीं मिली है। शिक्षा विभाग में तैनात पार्ट टाइम को 11 साल बाद नियमित करने के लिए कैबिनेट से 5 जनवरी को मंजूरी मिली थी। 13 जनवरी को सरकार ने इसकी नोटिफिकेशन जारी की थी। मिड डे मील के साथ अब फल खाएंगे बच्चे, हफ्ते में एक दिन मिलेंगे फ्रूट। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में बच्चे अब दोपहर के खाने के साथ हेल्दी डाइट का स्वाद भी चखेंगे। पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को स्कूलों में मिड डे मील के तहत अब बच्चों को फ्रूट्स भी दिए जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसके लिए केंद्र की मंजूरी का इंतजार है। तैयार किए गए प्रस्ताव में एक सप्ताह के एक दिन बच्चों को फल दिए जाएंगे, उन फलों में लोकल फ्रूट भी शामिल किया गया है। वहीं गौर हो कि प्रदेश के स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा के करीब 5 लाख बच्चे मिड डे मील का लाभ ले रहे हैं। जल्द जारी हो हेडमास्टर प्रवक्ता स्कूल न्यू की पदोन्नति सूची। प्रशिक्षित कला स्नातक शिक्षक संघ सिरमौर की जिला कार्यकारिणी ने सरकार से जल्द हेडमास्टर व प्रवक्ता स्कूल न्यू की पदोन्नति सूची जारी करने की मांग की है। संघ के जिला प्रधान सीताराम पोजटा, सचिव मनोज कुमार और अन्य ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रवक्ता स्कूल न्यू पदोन्नति सूची दो दो वर्ष के उपरांत निकाली जा रही है। नवंबर 2019 में पदोन्नति संबंधित आवश्यक दस्तावेज मंगवाए गए थे, परंतु विभाग ने पदोन्नति सूची अप्रैल 2021 में निकाली। इसके अलावा कला स्नातक प्रशिक्षित संघ ने कहा कि उसके उपरांत न तो कोई अनुपूरक सूची और न ही कोई मुख्य सूची निकाली गई। इस दौरान संघ कई बार विभाग के उच्च अधिकारियों व सरकार से भिन्न भिन्न अवसरों पर मिले। जिला पदाधिकारियों ने कहा कि स्कूलों में सैकड़ों की संख्या में प्रवक्ता स्कूल न्यू के पद खाली पड़े हैं। स्टाफ नर्स को बजंतरी व गाय के समान वेतनमान, जानिए अन्य पदों पर कितना मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत स्टाफ नर्स बजंतरी और गाय को उच्च कुशल श्रेणी में शामिल कर 12,686 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतनमान निर्धारित किया गया है। वहीं पुजारी व ग्रंथी आदि को कुशल श्रेणी में रखा गया है और इन्हें 12,191 रुपये मासिक न्यूनतम वेतनमान निर्धारित किया गया है। वहीं श्रम एवं रोजगार विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पन विद्युत परियोजनाओं में काम करने वाले कामगारों को गैर जनजातीय क्षेत्रों में 25% यानी 97.50 रुपये वेतन में वृद्धि की गई है। इसके अलावा 20% सुरक्षा भत्ता निर्धारित किया गया है, जो न्यूनतम वेतनमान के साथ जुड़ेगा। इस आधार पर अकुशल कामगारों को 525 रुपये प्रतिदिन, जबकि अर्धकुशल को 557.65 रुपये, कुशल को 609.54 रुपये और उच्च कौशल श्रेणी के तहत आने वालों को 724.75 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम वेतनमान निर्धारित किया गया है। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।